हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़ेगा। हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़ेगा। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। जनरल आइडिया इज टू protect the soul of the Kashmir, because one side BJP is trying to destroy the soul of Jammu and Kashmir. Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. So that is why Congress and National Conference coming together to make a government in Jammu Kashmir, which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. That's why we done discussion in a cordial relations and we entered into a formula which our leaders will be shared. We will fight together, we will win Jammu and Kashmir, we will form the government in Jammu and Kashmir. Out of 90 seats, National Conference will contest 51 seats, clear 51 seats. 51 करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी जहाँ पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी तो हमने उसमें friendly contest but in a very disciplined manner from both sides and we have narrowed it down to 5 seats and over and above these 88 seats we have left one seat for CPIM and one seat for Panthers party so in total it comes to 90 seats जिसमें से फर्स्ट फेज में 24 सीट्स जिसके वास्ते कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, देन सेकंड फेज में 26 सीट्स और थर्ड फेज में 40 सीट्स जो फेज वाइज आ रही हैं और उसमें हर फेज में वी हैव अ स्टेटेड नंबर, एनसी के वास्ते एक स्टेटेड नंबर है और उसी के हिसाब से वील स्टार्ट our issuing the this mandates from right now. उसमें से तीन ऐसे हैं जो हम हमारे लिए छोड़ना मुश्किल था और दो सीटें ऐसी हैं जिनके लिए कांग्रेस को मुश्किल हुई थी उन सीटों पे कोई फैसला लेना, तो इन पे हमने तय किया कि इन पे हम दोनों पार्टियां जो हैं अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। हमारे लिए बीच में अभी शाम को एक और मुसीबत ये बनी थी कि बिना हमें बताए CPM ने देवसर से भी एक कैंडिडेट उठाया था जिससे कि हमें फिर कुलगाम में परेशानी होती और कुछ वक्त तक ऐसा लग रहा था कि शायद कुलगाम में भी फिर हमें फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा,
लेकिन फारूक साहब ने अभी अभी तारिगामी साहब से बात की और उनसे गुजारिश की कि देवसर से सीपीएम का कैंडिडेट नहीं उठना चाहिए, जिस चीज़ को तारिगामी साहब ने कबूल किया है। तो अब कुलगाम की सीट भी फिर हम तारिगामी साहब के लिए छोड़ देंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मिरर नाउ।